तुझे पता है डब्लू, मैं ये गेंद पानी में से सिर्फ 18 सेकंड में बाहर ला सकता हूँ। मैं तो 15 सेकंड में ला सकता हूँ ये गेंद को। अच्छा देखी थी आपने लाश? सर वो घबरा मत बेटा, बताओ लाश कहाँ देखी थी? तालाब के बीचों बीच वो देखा। लाश किसी चीज से बंधी हुई थी? नहीं, मुझे कुछ ठीक से नहीं दिखाई दिया क्योंकि मैं बहुत घबराया हुआ था। कोई बात नहीं, बहुत बहादुर हो तुम। आप लोग जाओ। थैंक यू सर, वी आर रेडी। आ जाओ, पानी के बीचों बीच देखना, आगे सो। ये लाश ज्यादा पुरानी नहीं है, अभी अभी मौत हुई है इसकी। सर सर ये देखिए, इसकी कमर में ये घाव है, लगता है खूनी ने हथियार से पहले इस पे हमला किया, फिर जब इसकी जान चली गई तब इसकी लाश को किसी भारी चीज से बांध के इसे पानी में फेंक दिया। अब ये सब करने में उसे वक्त तो लगा होगा, यहाँ किसी ने कुछ देखा कैसे नहीं? सर हो सकता है जब ये पानी में गिरा हो किसी जानवर ने इसको काट लिया हो और ये उसी के दांतों के निशान हो। नहीं निखिल, ये तालाब इतना बड़ा नहीं है कि इसमें कोई ऐसा भूखा जानवर हो। एक काम करो, तुम लोग फिर से पानी के अंदर जाओ और साथ में मेटल डिटेक्टर भी लेके जाना। अगर उस आदमी ने इसे मार के यहाँ इस पानी में ठिकाने लगाया है तो हो सकता है वो मर्डर वेपन भी यहीं कहीं फेंक दिया हो। तो देखो Thank you.
सा जेब भी खाली है, मोबाइल या पर्स भी नहीं है। मतलब खूनी ने इसकी पहचान छुपाने की पूरी कोशिश की है। सर, सर, हाँ? सर अंदर एक ऑटो रिक्शा मिला है। ऑटो रिक्शा? हाँ सर। बाहर निकालो। कमाल है सर, ये पूरा ऑटो पानी के अंदर कैसे चला गया? कहीं इस ऑटो का एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? नहीं पूर्वी, ये एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता। उस आदमी के कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा मिला है इस रिक्शा में, मतलब वो आदमी इसी रिक्शा में जा रहा था। और अगर ये एक्सीडेंट था तो उसकी बॉडी हमें पानी के नीचे बंधी हुई नहीं मिलती। सर, हाँ? सर ऑटो का ये टायर फटा हुआ है। फटा हुआ तो है। और सर यहाँ पर घिसड़ने के निशान है। अब ये एक्सीडेंट है या इसे एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की या खूनी में, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल तो यही लगता है कि ये ऑटो सड़क पे जा रहा था, फिर टायर बस्ट हुआ और रिक्शा आउट ऑफ बैलेंस होकर इस पानी में जाके गिर गई। श्रेया निकल, एक बार फिर से पानी के अंदर जाओ, देखो कोई और लाश मिलती है क्या, शायद इस ऑटो वाले की। सब सर तालाब का कोना कोना छान मारा और न कोई सुराग मिला न कोई लाश। ओह, बहुत सोच समझ कर अंजाम दिया है इस जुर्म को। तारिका, लाइट्स ऑफ करना प्लीज। देखो तारिका, फिंगरप्रिंट्स आए? यस सर, एकदम साफ साफ उभर के आए निशान। गुड, लाइट्स ऑन करो। हाँ,
फिंगरप्रिंट्स तो एकदम साफ हैं। अब एक काम करते हैं, इन्हें अपने डाटाबेस में डाल करके चेक करते हैं। माय गॉड, क्या हुआ? सुबह सुबह भगवान को क्यों याद कर रहा है? 20 साल पुरानी लाश तालाब में से निकाल करके दोगे तो इंसान भगवान को याद करेगा ना भाई? सुबह सुबह मजाक भी सूझने लगा तुझे, ये 20 साल की लाश है ये? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ जो हमारा डाटाबेस बता रहा है। देखो, रमन कालिया नाम का जेब कतरा है। 20 साल पहले जब इसकी उम्र 20 साल की थी तब ये पुलिस से भागते भागते तालाब में गिर के डूब गया। क्या बात कर रहा है तू सांखे यार? क्या लाश की भी उम्र बढ़ती है? ये लाश तुझे 40 साल की उम्र के आदमी की नहीं लगती? वो तो लग रही है, लेकिन डाटाबेस जो बता रहा वो बस। इसका तो एक ही मतलब हो सकता है कि शायद रमन कालिया मरा ही नहीं 20 साल पहले। ये हो सकता है। जो सड़ूंगे, क्या तू बता सकता है ये किस तरह का जख्म है? मेरा मतलब है किस हथियार से हुआ होगा ये? बस इसमें थोड़ा वक्त लगे। तो क्या है कि बहुत वक्त तक पानी में रहने की वजह से ये थोड़ा गीला हो गया, थोड़ा सूख जाए फिर पूछता हूँ मैं इससे। ठीक है, मगर जल्दी बता दे। बिल्कुल, तब तक हम ये पता लगाएंगे कि पिछले 20 साल ये रमन कालिया कर क्या रहा था। सर, मेरे पहचान का एक खबरी है, टिंकू टीका, उसको जरूर मालूम होगा इस रमन कालिया के बारे में। टिंकू टीका? नहीं नहीं सर, मतलब खबरी की कोई जरूरत नहीं सर, हम लोग पता कर लेंगे ना। हम लोग ठीक है, मीटिंग करवाओ इस टिंकू टीका के साथ। साहब, हर जगह देख लिया लेकिन किसी कहीं जगह कोई नंबर नहीं छोड़ा गया इस ऑटो में। कुछ भी नहीं मिला। अरे कहीं तो चेसी नंबर होगा। नहीं साहब, वो भी गायब है। लगता है बड़ी फुर्सत से काम किया है मुजरिम ने। अरे यार राजू, कुछ तो पता करो, इतने साल से ऑटो के मैकेनिक हो, कुछ तो समझ में आ रहा होगा क्या। साहब इतना बता सकता, इस ऑटो का मॉडल नंबर 1999 का है। साहब, हाँ सर, यूनियन से पता चला है कि 2000 के बाद कंपनी ने ऐसे मॉडल बनाने बंद कर दिए। तो फिर ऐसे मॉडल्स बहुत कम लोगों के पास होंगे। इस कंपनी से पता लगाना पड़ेगा 1999 के मॉडल किन किन लोगों ने खरीदे हैं। सर, उन सभी लोगों की लिस्ट मिल गई है जिन्होंने 1999 के पहले उस तरह का ऑटो लिया था। कुल मिलाकर 170 लोग हैं। 170 लोग, उन सबसे कांटेक्ट किया? हाँ सर, सबकी पूरी डिटेल्स मिल गई है सिवाय इन दो लोगों के। पहले का नाम है शेखर झुमरू और दूसरा चिंतक कुमार। तो चलो हम जाकर मिलते हैं इनसे। चिंतक कुमार, चिंतक जी आप ही हैं? हाँ, मेरा ही नाम चिंतक है, बदकिस्मती से। वो ऑटो जो है वो MK02A00420 आपका है? हाँ, मेरा ही ऑटो है, 420 नंबर का। आप कबाड़ी वाले हैं जो उस कबाड़ को खरीदने आए हैं? CID से। कहाँ है आपका ऑटो? और कहाँ होगा, अब भंगार में ही दिन काट रहा है। अच्छा, देख सकते हैं? लेकिन आप उस ऑटो को क्यों देखना चाहते हैं? आज एक तालाब में हमें एक लाश मिली ऑटो के साथ, और ऐसा लगता है कि वो ऑटो आपका ही है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है कि तालाब में लाश के साथ मेरा ऑटो मिला। अभी 2 दिन पहले ही मैंने उसे देखा था, जंकयार्ड में ही था बेचारा। आइए। अरे
यही तो था, कहाँ गया? क्या हुआ चिंतक जी, ऑटो नहीं मिल रहा है? दो दिन पहले तक यही था, बस कल ही नहीं आया। तबीयत थोड़ी खराब थी तो इस तरफ आना नहीं हुआ। कातिल पकड़े जाने पे कुछ ऐसे ही कहते? मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। एक पड़ेगा ना, सब याद आ जाएगा, समझे? क्या ये? डॉक्टर की पर्ची। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बीमार था और मैं खुद की ऑटो क्यों यूज करूंगा कत्ल करने के लिए, जबकि मुझे पता है कि आज नहीं तो कल सीआईडी मुझ तक पहुंच तो जाएगी। हाँ ठीक है बंद करो ये ड्रामा। और कौन कौन जानता है इस जगह के बारे में? इस वीराने में कौन आएगा साहब, बस मेरे ऑटो वाले रात को आते हैं दिन भर काम करके यहाँ ऑटो खड़ी करने के लिए। अच्छा, तो इन ऑटो ड्राइवर्स को मालूम है इस जगह के बारे में? हाँ सर। कितने ड्राइवर हैं? छह। सबके नाम पता चाहिए, समझे? ठीक है। चवंती सर, सबको ब्यूरो में बुलवा। सर घाव के साइज और गहराई को तो देखकर लगता है कि किसी तेज नुकीले हथियार का इस्तेमाल किया गया है। नहीं तारिका, इसकी मौत किसी नुकीले हथियार की वजह से नहीं हुई है, इसकी मौत हुई है बम ब्लास्ट की वजह से। बम ब्लास्ट? जो भी वो देखो, उधर देखो स्क्रीन पे, ये देखो स्क्रीन पे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े। लेकिन ये ऐसा किस किस्म का बॉम्ब है जिसने पूरे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, सिर्फ पेट और कमर के हिस्से पर ही जख्म हुए? अरे का ये भी पता चल जाएगा, पहले ये देख ले कि दरअसल ये टुकड़े हैं क्या। चिंतक के यहाँ काम करते हो, उसके रिक्शा चलाते हो, हैं? हाँ साहब। जी साहब। ये फोटोज देखिए, ये आरके की 20 साल पुरानी फोटो है और ये अभी की। इनको तो आप सब बहुत अच्छे से पहचानते होंगे ना? नहीं साहब, नहीं पहचानते। तुम में से कोई भी नहीं पहचानता इसे। नहीं साहब। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, हम जानते हैं कि तुम में से ही कोई एक है जिसने उस जंक यार्ड में से ऑटो चुराया और फिर आरके को उसी ऑटो में बिठाकर तालाब में ले जाकर के डुबो के मार दिया। याद रखना अच्छी तरह से। ये क्या करें साहब, हम सब तो मेहनत मजदूरी से अपना पेट पालते हैं, खून वून करना हमारे हमारे बस की बात नहीं साहब। जी साहब, हम भला क्यों मारेंगे किसी को? अच्छा, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? क्यों किया, किसने किया, हम सब पता लगा लेंगे। फिलहाल तो तुम्हें जाने दे रहा हूं मैं, लेकिन जाने से पहले अपना पता और अपने फोन नंबर देके जाना, समझे? जी सर। चाओ, याद रखना, फिर से बुला लेंगे हम। जी सर। आईडी प्रूफ लाए ना, चलिए। श्रेया, इन सभी लोगों की हरकतों पर नजर रखनी पड़ेगी, इनके सेल नंबर ट्रैकर पे डाल दो। सर। हाँ सर, उनके तो रमन कालिया की मौत बॉम्ब फटने की वजह से हुई। सर, रमन के जख्म में से हमें कुछ चीजें मिली हैं। ये लोहे के कुछ अंश और ये रेडियम का टुकड़ा। बस दरअसल बॉम्ब एक घड़ी में लगाया गया था, जैसे इसका ऑटो पानी में गया बॉम्ब फट गया और इसकी मौत हो गई। और घड़ी रमन कालिया के यहाँ कमर पर बंधी हुई थी। हाँ।
सर ये सब बातें सुन के मुझे चक्कर आ रहे हैं सर। लोग हाथ में घड़ी पहनते, इसलिए कमर में पहनी हुई थी। आश्रया सर, सर ये एक ऑटो तालाब की तरफ जा रहा है। सर ये तो वही तालाब है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, और सिर्फ ये ऑटो वाला उस तरफ जा रहा है। गड़बड़ है दया, गड़बड़ है। ये ऑटो वाला ही गड़बड़ है। इस ऑटो वाले को उसके रिक्शा के साथ उठाना पड़ेगा। वो देखो रिक्शा, सर रिक्शा तो यही है, रिक्शा वाला गायब है। जाएगा कहाँ, यही कहीं होगा, ढूंढो उसे। खोदने की आवाज कहां से आ रही है? कुछ मदद कर दें। ए, 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 ए। सर, बैग में बहुत सारे पैसे हैं। क्यों बोले ला? ये कौन सी पाप की कमाई है जिसे छुपाने के लिए इतनी रात गए पसीना बहा रहे हो? सर माफ कर दीजिए सर। माफ कर लूं? साहब मेरा बस यही कसूर है कि मैं शादी करना चाहता था। साहब शादी तो पूरी दुनिया करती है, इसमें कसूर कैसा? साहब मेरी प्रेमिका चांदनी के माता पिता ने मुझसे 150,000 रुपए मांगे थे, पूरे 1,00,000 रुपए। साहब पैसा इकट्ठा करने के लिए तुमने एक आदमी को जान से मार दिया। साहब मैं चांदनी से बहुत प्यार करता था, उसे खोना नहीं चाहता था। साहब मैंने मेहनत मजदूरी से 5,00,000 रुपए जमा भी कर लिए थे, 5,00,000 रुपए कम पड़े थे, इसलिए साहब मैंने आरके साहब को लूटने का प्लान बना लिया। क्या मिस्टर आरके रोज तुम्हारे ऑटो से जाते थे? हाँ, मैंने लंबी प्लानिंग की। अपने मालिक चिंतक की खटारा ऑटो को मैंने हर रोज धीरे धीरे ठीक किया। जब वो ठीक हो गई तो मैंने उसके सारे नंबर मिटा दिए। और फिर छुपके छुपके मैंने उसे जंकयार्ड से निकाला। रोज की तरह मैं आरके साहब को उसी जगह छोड़ने गया था। काम खत्म होने के बाद मैं उसी रास्ते लेके आया जहां मैंने खिले वाली लकड़ी की पट्टी लगाई हुई थी। ये कौन सा रास्ते पे ले जा रहे हो? पहले तो कभी नहीं देखा इस रास्ते को। साहब ये शॉर्टकट रास्ता है। ये सुनसान वाला कौन सा शॉर्टकट रास्ता है? साहब शॉर्टकट हमेशा सुनसान रास्ते से होता है ना साहब। मतलब We'll be right back.
तुमने ये नहीं बताया कि तालाब से बाहर आने के बाद तुमने बॉम्ब ब्लास्ट भी किया था। ब्लास्ट? साहब, मैंने कोई ब्लास्ट नहीं किया। तुम मासूम बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ब्लास्ट की वजह से आरके की मौत हुई। तुमने करवाया ब्लास्ट? मैंने कोई बम नहीं लगाया। मैं क्यों बम लगाऊंगा साहब? जो इंसान को तैरना नहीं आता उसे मैं बम से क्यों मारूंगा सर? मैं जानता था उन्हें तैरना नहीं आता था। सर, इसका मतलब इसके अलावा आरके को मारने की प्लानिंग कोई और भी कर रहा था। सर, सालों के सर ने कहा था ना कि बम घड़ी में था जिसे शायद रिमोट से कंट्रोल किया गया, यानी वो मुजरिम भी तालाब के आस पास था उस वक्त। हाँ, जैसे ही वो ऑटो पानी के अंदर गया उसने रिमोट का बटन दबा दिया। अच्छा, ये बताओ कि जब तुम बाहर निकले तो तब तुमने यहाँ पे आसपास किसी आदमी को देखा, या फिर जब रिक्शा में आरके को बिठा के तुम वापस लेके जा रहे थे तो वहां पे किसी को देखा जिसपे शक हुआ? हाँ साहब, हाँ हाँ। उसने कुछ दिया उन्हें और जिसे उन्होंने कमर पे बांधा। मैं डर के भाग गया साहब उधर से। कहाँ मिला था यार? चल ले चला मैं वहां। देख के नहीं चल सकते क्या? माफ कर दे, माफ कर दे, भूखा हूँ, कुछ खिला दे। शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? मेहनत करके कुछ कमा नहीं सकते? वाह, ऊपर वाला तो बहुत मेहरबान है आज। लगता है ये लड़की बहुत मालदार थी। क्या बात है टिंकू टिक्का, बड़ी जल्दी में लग रहे हो। आगे आप लोग, कुछ पता चला कि सिर्फ ये चोरियां करने में बिजी हो? मैम, ये जो आपका भूत है ना, रमन कालिया मैम, ये सारे गैर कानूनी काम करता था, जैसे ड्रग्स का, हथियारों का, और तो और इंसानों की स्मगलिंग भी। बहुत शातिर खिलाड़ी था ये। नहीं मैम, शातिर ये नहीं, शातिर जेजे है, जिसने इसको सड़क के मामूली चोर से इतना बड़ा राजा बना दिया। जेजे? हाँ जेजे, बहुत बड़ा डॉन है मैम। रमन कालिया ना उसी के लिए काम करता था। और मैम, खबर तो ये है कि ना रमन कालिया को जेजे ने ही टपकाया है, क्योंकि जेजे को पता चल गया था कि रमन कालिया ने उसको डबल क्रॉस किया है। इस जेजे के बारे में क्या जानते हो? जेजे के बारे में तो कुछ नहीं जानता, बोला आज तक उसने किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, और सर जिसने भी उसका चेहरा देखा ना, सुबह उसने अपना चेहरा नहीं देखा। दी एंड। क्या हुआ पैर में? मैम पता नहीं, किसी ने अंधेरे में गोली चलाई और वो मेरे पाँव पे लग गई। क्यों? मैम जब से मैं ना डांस बार से बाहर निकला हूँ और आरके की इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, तब से ना सर मुझे लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए ना मैं भेस बदल बदल के ना ये सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था। ठीक है, इसलिए इसलिए मयूर उस लड़की को दे दो। ये लो। सर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चली आरके के बारे में। क्या? सर ये आरके कोई मामूली चोर उचक्का नहीं था, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। अपनी आइडेंटिटी ना एग्जिस्ट होने का पूरा फायदा उठा रहा था, और सर सारे गैर कानूनी कामों में उसका इन्वॉल्वमेंट था। किसके लिए करता था वो ये सब? सर कोई जेजे नाम का आदमी, और ये जेजे को किसी ने देखा नहीं था। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये पता चला है कि इस आरके ने जेजे को डबल क्रॉस किया था, इसलिए जेजे ने आरके को रास्ते से हटा दिया। सर इन पैसों का क्या करना है? श्रेय काम करो, तुम मयूर के साथ ब्यूरो में जाओ और इन नोटों के डिटेल्स निकालो, शहर से कुछ पता चल जाए। तब तक हम उस गोडाउन में जाते हैं जहाँ इस अर्जुन ने बताया कि वो आर के अक्सर आता जाते रहता है।
चलो। साहब यही जगह है जहां आर के सबको अक्सर लाया करता था। गोडाउन खाली क्यों पड़ा? साहब यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस हुआ करते थे साहब, बहुत सारे। जा देखो चेक कर। कुछ नहीं। ड्रग्स? सर साहब मैंने कहा था ना कुछ मतलब जो बक्से यहां पे रखे गए थे उसमें शायद ड्रग्स था और इस बक्सों को अभी अभी यहां से हटाया गया है। वो लोग अभी अभी यहां से गए, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। पास में ही चेक नगर है, जरूर वहां से कुछ पता चलेगा। हमने सोचा तुम इस बंद पड़े हुए गोडाउन में अकेले घबरा जाओगे, इसलिए कंपनी देने चले आए। अब जरा अपना ये चांद सा चेहरा दिखा दो। ओ, तो आप हैं बार मैनेजर, नाम क्या तुम्हारा? बाला। साहब ये हमेशा आर के साहब से मिलता था। तुम सब मरोगे। खुद वक्त ही बताएगा कि कौन मरेगा। पहले ये बता जे जे कहाँ है? मेरे को क्या मालूम। अच्छा निखिल लगता है इसके कान में थोड़ा लोहा डालना पड़ेगा। ये खिलौनों से डरता नहीं हूं मैं सर। हम भी तुझे यहां डराने नहीं आए। गोली चलेगी, शरीर का वजन थोड़ा कम हो जाएगा जब भेजा बाहर निकलेगा। उड़ा दो इसे। सर 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 मैं बता रहा हूं सर। जे जे बारे में बता रहा हूं सर। कुछ नहीं होगा।
चलो, जो काम हजारों मुजरिम नहीं कर पाए वो आज जेजे ने कर दिखाया। दया का खेल खत्म। खत्म। ये ऑटो क्या कर रहे हैं? उड़ा दो इनको। उड़ा दो। उड़ा दो। जे उर्फ चिंतक साहब हैं? अब बता क्यों मारा आरके को? क्योंकि आरके मुझे धंधे में धोखा दे रहा था। मेरा कमाया हुआ पैसा मुझे बिना बताए दूसरे धंधे में डाला। तो सिर्फ इसी बात के लिए तूने उसे बॉम्ब से उड़ाने का प्लान बनाया? हाँ, मैंने अर्जुन को चांदनी से फोन पे बात करते हुए सुन दिया था। चांदनी, हमारा काम हो गया है। हम आरके सबको दो दिन में मार डालेंगे। तुम तुम्हारे पापा को बोलो हम पूरे 10 लाख रुपए लेके आ रहे हैं। ठीक है चांदनी? अरे आरके सबको तो वैसे ही तैरना नहीं आता था, उन्होंने खुद कहा था मुझे एक बार। साहब, हाँ थोड़ा बहुत तैरना जानता था, बच जाता वो, इसलिए मैंने वो बम का सहारा लिया उसे ऊपर तक पहुंचाने के लिए। उस रात जब आरके मुझे मिलने वो वेयरहाउस में आया था। आरके, आजकल पैसों का बहुत हेर फेर हो रहा है। नहीं जेजे सर, आपको गलतफहमी हुई है। वैसे मैं आपका धंधा तो पूरी तरह संभाल रहा हूँ, फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? बस अब विदेश का देखो। ठीक है, तू है तो मुझे फिक्र नहीं है। ये ले। क्या इसमें? बम। देवधर साहब को दे देना, बोलना जेजे ने कुछ कीमती घड़ियां भेजी है। ठीक है, लेकिन अगले बार मुझे भी ऐसा ही गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट तो तुम्हें मिल चुका रमन कालिया। और फिर तुम अर्जुन के रिक्शे का पीछा करते करते वहां तालाब पहुंच गए। और जैसे ही अर्जुन तालाब से बाहर निकला तुमने रिमोट का बटन दबा दिया। हाँ, और ताकि लाश ऊपर ना आए मैं खुद तालाब में घुसा और लाश को पत्थर से बांध दिया। मिस्टर जेजे, तुमने वो पत्थर लाश पे नहीं बांधा, अपने गले में बांध लिया। फांसी का पत्थर। निकल, ले जाओ इन्हें। और चलो, चलिए। धन्यवाद भाइयों, ये चिंतक और अर्जुन जैसे लोगों की वजह से आप लोगों की बदनामी नहीं होगी। उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमारी दोस्ती ऐसी ही बरकरार रहेगी हमेशा। थैंक यू सो मच। थैंक्स। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।